पाकिस्तान बार काउंसिल के रहनुमाओं का कहना है कि असल असखुद नोटिस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील पर होना चाहिए था। पार्लियामेंट से मंजूर करदा अदालती असलाहत बिल पर हुक्म इमतना खत्म ना हुआ तो तहरीक चलाई जाएगी। कल मुल्क भर में योम सियाह मनाया जाएगा। लाहौर की गोलमेज कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो सूबाई असम्बली के पी और पंजाब असम्बली ये क्यों डिजॉल्व हुई, ये भी तो इस पे सुओ मोटो पहले लेना चाहिए था। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि तमाम अदारे अपनी हदूद बकयूद में रहते हुए अपना किरदार अदा करें। जो हुक्म इम्तनाई मिला है पार्लियामेंट के एक एक्ट को, उस पे हमारा एतराज़ है पूरी बार कौंसल्स का, और अगर वो वापस नहीं लिया जाता तो हम इतने ये भी लायामल तय किया है कि हम पूरे मुल्क में अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो भी तहरीक हो हम चलाएंगे। पार्लियामेंट के एक्ट को बहाल नहीं किया जाता तब तक हम एजिटेट करें। कल के लिए यूनानी मसले ये तय हुआ है कि ब्लैक डे ऑब्जर्व किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में 29 अप्रैल के लिए ऑल पाकिस्तान जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस है, कन्वेंशन है, वो बुला लिया है। और में एक सो कॉल्ड गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, उसको भी हमने रिजेक्ट किया है। तमाम सूबों में हम लायर्स को मुतहरक करेंगे।